नवी मुंबई वाशी में एक व्यक्ति ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाकर फरार हो गया। आरोपी सुभाष शिंदे ने बड़े ही शातिराने अंदाज में लोगों को झांसा देकर किसी से 25 लाख तो किसी से 1.5 करोड़ रुपए झटक लिए। इस पूरे मामले की शिकायत वाशी पुलिस थाने में दर्ज है, लेकिन पीड़ित नागरिकों के माने तो उनका यही कहना है कि पुलिस हम सबको यही कह रही है कि अगर तुम्हें यह आरोपी सुभाष शिंदे कहीं दिखाई दे तो हमें सूचित करें। हम आपको बता दें कि ठग सुभाष शिंदे नवी मुंबई वाशी में शुभम क्लासेस चलाया करता था और साथ ही वो शुभम इन्वेस्टमेंट का कारोबार भी चला रहा था। ठगी के शिकार बने लोगों का यही कहना है कि इस ठगी में सुभाष शिंदे के परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं। मैं वहाँ पे उनके ऑफिस में 4 साल से काम कर रही थी और इनका कारोबार एक कोचिंग क्लासेस चलाना था और इसी के पीछे वो इन्वेस्टमेंट से पैसे लेते थे, मतलब इंटरेस्ट के बेस पे लोगों से पैसे लेते थे और वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, ऐसा उन्होंने हम सभी को पता है। और इसी तरीके से उन्होंने मेरे पिताजी को भी फंसाया, मेरे पिताजी के नाम पे 40 लाख रुपए उठाए। उसने हमको 11 महीना दिया भाड़ा दिया 9000 करके। अच्छा। और उसके बाद मैंने बोला हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, रूम नहीं लेना है, तो मैंने उसको 2 महीना पहले बोला हमको विड्रॉ करना पैसा। अच्छा। तो उसने बोला देता हूँ, दिवाली में देता हूँ, ये देता हूँ, दे के 1 साल हो गया, अभी तक दौड़ रहा हूँ। पुलिस कंप्लेन एक बार फिर मांगने गया तो वो बोला पुलिस को जाओ, तुमको पुलिस केस करना है, क्या करना वो करो। वो जो फरार आरोपी है उसकी शिकायत वासी पुलिस थाने में दर्ज की गई होगी। हाँ, मैंने उसका क्या कहना है? पुलिस यही कर रही है कि अब बोल रहे हैं कि हम जल्दी उसको पकड़ के लेके आएंगे आपके सामने। वो तो बोलते हैं कि हम लोग ढूंढ रहे हैं, आपको कहीं दिखेगा तो हम लोगों को फोन, हम लोगों को बता दीजिए। अच्छा। यही तो 1 साल से चल रहा है। अच्छा। हम लोग रोज आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर वाशी पुलिस थाने के क्राइम PI से भी बातचीत की गई, तब उनका यही कहना था कि ये बात सच है कि हमारे पुलिस थाने में 1.5 करोड़ रुपए का मामला दर्ज हुआ है, लेकिन बाकी के लोग नहीं आ रहे तो हम क्या करें। उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई है, लेकिन अभी तक उसके बारे में, वो जैसे जिस दिन से गायब है उसके बारे में कोई अभी तक मतलब वो कहाँ छुप के बैठा है या कहाँ रह रहा है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक पुलिस को मिली नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो यहाँ दिखा वहां दिखा, अगर तुमको मालूम है इतना बड़ा ट्विटर है तो आप नजदीक के पुलिस स्टेशन में बोलो या पुलिस स्टेशन के नंबर है और हमारे नंबर दिए हुए है और नहीं तो 100 नंबर पे घुमाओ, 100 नंबर पे फोन करके बोलो कि ऐसा ऐसा इतना बड़ा फ्रॉड किया हुआ आरोपी कहीं दिखा है। तो ये पब्लिक ने भी थोड़ा सा पुलिस को सहायता करना चाहिए। टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो हमारा जारी है, जहां तक इन्फॉर्मेशन का सवाल है तो जब तक पब्लिक से या कोई किसी से पता चले कि ये यहां छुपा हुआ है, यहां पे रहता है, तब तुरंत उसको जाके इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं इसी विषय पर पीड़ितों का कहना है कि पुलिस 2 बातें कर रही है। उनका यही कहना है कि किसने तुमको ठग के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा था, और यही वजह है कि लोग डर से पुलिस के पास नहीं आ रहे हैं। लोग डरते हैं, डरते नहीं आना चाहते और ये सोचते हैं कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हमको पैसे नहीं मिलेंगे या हमारे को जैसे हमारी कंप्लेंट दर्ज होती है तो सुनने हमारे को देने वाला भी नहीं देगा, जबकि उसकी कोई उम्मीद नहीं है। आज एक बूढ़ा इंसान है जो रिटायरमेंट है, जो बैंक में सर्विस करता था 1.5 करोड़ रुपए की, उसने अपनी कंप्लेंट यहाँ दर्ज की है। फिलहाल देखना यह होगा कि पुलिस पीड़ितों के खून पसीने की गाड़ी कमाई कब तक वापस दिलवाने में कामयाब होती है और कब तक मिलता है ठगी के शिकार बने लोगों को न्याय। कर्नाला TV के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।